हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सिंपली प्ले स्टोर पर चले जाना है। जैसे प्ले स्टोर पर जाके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा एयरटेल थैंक्स। एयरटेल थैंक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐप आ जाएगा। तो दोस्तों, ये ऐप आ चुका है। अब इसको आपको डाउनलोड करना है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। अब आपको बताऊँगा कि ओपन कैसे होता है, वो ओपन करके भी दिखाऊँगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ देर वेट कर लेते हैं, फिर ऐप को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि ये तो थैंक्स ऐप कितना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब करते हैं ऐप को ओपन। तो दोस्तों, चलिए ओपन करते हैं। तो मैंने कर लिया है ओपन। यहाँ पे लास्ट एड्रेस पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलाउ मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है। फिर आपको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने को स्क्रीन OTP आएगा आपके पास। कुछ देर वेट कर लेते हैं, फिर OTP का तो OTP आ जाएगा। तो दोस्तों, OTP आ चुका है, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये OTP डाल रहा हूँ मैं। OTP डला चुका है। अब इसको फिर से अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो ऐप ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अलाउ कर देते हैं। तो अलाउ कर देने हूँ मैं। देखिए, ऐप ओपन हो गया है। तो आप ऐप से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने दोस्तों में इन्वाइट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से अपना डाटा MB चेक कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, एयरटेल थैंक्स बिल्कुल ही अच्छा ऐप है। तो इसी तरह आप डाउनलोड करके अपना गैस भी बुक कर सकते हो, गाड़ी इंश्योरेंस कर सकते हो, डिश रिचार्ज कर सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं एयरटेल थैंक्स ऐप में दी गई है। तो दोस्तों, इसी तरह आप एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छा ऐप है। तो दोस्तों, आप यहाँ से सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो, अपना MB सब चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना Gmail ID डालना पड़ेगा। जैसे Gmail ID डालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अपना Gmail ID डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। तो फ़ोन नंबर डालने के बाद इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो इसके फिर से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय।